सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. अभी तक हमने फाइलम के कैटेगरीज जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग किंगडम एनिमेलिया में, तो वी हैव डन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. और इसमें याद दिला दूं आपको, पोरीफेरा था और दूसरा जो है वो नाइडेरिया एंड टिनोफोरा हम लोगों ने पढ़ा है. आगे क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आ जाते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पहला जो हमारी कैटेगरी है बॉडी कैविटी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी वी डिवाइड, और ए सीलोमेटा कैटेगरी आती है. और इसका एक ही मेरे पास एग्जांपल है, एक ही ग्रुप इसमें होता है, दैट इज प्लेटीहेलमिंट्स. तो इसमें काफ़ी पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं, इनको फ्लैड वर्म्स कहा जाएगा. तो देयर विल बी ऑफ टू टाइप्स, टेपवर्म एंड फ्लूक्स. तो आज जो टॉपिक है वो हम एसीलोमेटा देख रहे हैं. इसके बाद जो आएगा वो स्यूडोसीलोमेटा आएगा, देन ईयूसीलोमेट्स आएंगे. तो एसीलोमेटा और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्यूडोसीलोमेटा. तो पहले एसीलोमेटा पे हम लोग बात करते हैं. तो जो एसीलोमेटा ग्रुप है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी के केसेस हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, और फ्लैट वर्म्स इनको कहा जाएगा. इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है, यानी कि फ्लैट बॉडी इनकी है. डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड का मतलब होता है, मान लिया इस तरह देखें तो ये डॉर्सल सरफेस है और नीचे वेंट्रल सरफेस है, और साइड जो है ये लेटरल सरफेसेस है. तो साइड जो है आप देख रहे हैं नैरो है, और ये स्ट्रक्चर फ्लैट है, ठीक है. तो इट लुक लाइक फ्लैट. तो अगर बॉडी इस तरह है तो हम इसको फ्लैट वर्म बोलेंगे. फ्लैट वर्म की दो शेप्स हो सकती हैं, दे मे बी रिबन शेप और यानी कि टेप वर्म्स, और दे मे बी फ्लूक्स और लीफ शेप. जो लीफ जैसा शेप होगा तो हम इनको बोलेंगे कि ये फ्लूक्स हैं, ठीक है. लगभग मान के चलिए करीब 10,000 स्पीशीज इन मेंबर्स की हैं. इनका की फीचर हुआ डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी, ठीक है, फ्लैट होगा. और जो टर्म है प्लेटीहेलमिंथ फाइलम जो सबसे पहले बोला गया, तो 1859 में जेजेनबॉर, ठीक है, जेजेनबॉर ने ये नाम जो है वो सजेस्ट किया है. रही बात इनके हैबिटेट की, तो ये इनमें काफ़ी ऐसे फॉर्म्स हैं जो फ्री लिविंग होंगे, एक्वेटिक फॉर्म होंगे, और जो मैक्सिमम डेटा देखने को मिलता है ये पैरासिटिक फॉर्म्स का देखने को मिलता है, ठीक है. और लाइफ साइकिल इनकी इनडायरेक्ट हुआ करती, और जनरली ये जो हैं सोलिटरी केसेस, यानी अकेले मिलेंगे. तो अब ये देखिए कि जो यहाँ सबसे पहले मुझे पूरा केस समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज वर्म्स आर प्रेजेंट. तो एक क्लासिफिकेशन देखेंगे ना आप, तो इसमें तीन तरह के केसेस हैं. एक तो सेस्टोडा क्लास है, दूसरा ट्रीमेटोडा क्लास है, और तीसरा टर्बेलेरिया क्लास है. जो सेस्टोडा क्लास के मेंबर्स होते हैं हमारे, वो होते हैं टेपवर्म्स, और ट्रीमेटोडा के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं फ्लूक्स, और ऐसे ही टर्बेलेरिया तीसरी क्लास है टर्बेलेरिया, उसके भी मेंबर्स फ्लूक कहलाते हैं. अब एग्जैक्टली देख रहे हो दो तरह के केसेस हैं. सेस्टोडा में सारे टेपवर्म्स हैं, ऑल द टेपवर्म्स आर इन सेस्टोडा, और जो ट्रीमेटोडा है और टर्बेलेरिया है उसमें सभी फ्लूक्स हैं. तो कौन क्या डिफरेंस होगा ट्रीमेटोडा और टर्बेलेरिया के फ्लूक्स का? तो सीधी सी बात, जो ट्रीमेटोडा नाम की क्लास है, इन दैट ओनली पैरासिटिक फ्लूक्स आर इंक्लूडेड, और टर्बेलेरिया में फ्री लिविंग फ्लूक्स हैं. ओके, बस ये डिफरेंस है. और टेपवर्म सभी जो है पैरासिटिक होते हैं. अब आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट टेपवर्म्स जिनके नाम हमें देखने सुनने को मिलते हैं, तो वो है टीनिया सोलियम पॉर्क टेपवर्म, क्योंकि ये जो है इन्फेक्टेड पॉर्क को कंज्यूम करने से, है ना, मेजली पॉर्क जिसको कहा जाता है उसको कंज्यूम करने से होगा. पॉर्क इज एक्चुअली दिस इज द फ्लैश ऑफ पिग, तो इसको कंज्यूम करने से जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आएगा दैट इज टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम 3 to 5 meter लॉन्ग एक वॉर्म है, टेप वॉर्म है. और इसी तरह टीनिया सेजिनेटा वो बीफ को कंज्यूम करने से आएगा, इट इज 5 to 10 meter लॉन्ग. और इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसिस ये डॉग टेप वर्म है, और ह्यूमंस में इसका इन्फेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, ह्यूमन इसमें एक तरह से एक्सीडेंटल होस्ट की फॉर्म में
रहता है। और इस केस में क्या है कि रियल में तो ये जो लाइफ साइकिल है वो शीप या पिग और डॉग के बीच में चल सकता है, बेसिकली शीप्स के और डॉग्स के बीच में, और ह्यूमन बॉडी में गलती से ये इंटर कर जाते हैं इसके जो लार्वल फॉर्म्स हैं, और ये हमारे किसी ऑर्गन में जाके सिस्ट बना लेते हैं, इसीलिए इनको हाइड्रेटेड सिस्ट वर्म या हाइड्रेटेड वर्म के नाम से हम इनको जानेंगे। एंड इज स्मॉलेस्ट टेप वर्म ऑल्सो, ये सबसे छोटा टेप वर्म है। तो ये आप अपने बुक में, जहाँ एनसीईआरटी में भी आप ये जो दोनों तीनों केसेस हैं इनको मार्क कर लीजिएगा कहीं पे। तो इट इज़ 3 to 5 millimeter लॉन्ग, जस्ट बहुत छोटा है, ठीक है। इस तरह ये तीन तरह के केसेस मैंने आपको बताए। जहाँ लार्जेस्ट की बात है तो लार्जेस्ट में हम लोग टीनिया सेजिनेटा को नोट कर लेते हैं। तो ये 5 to 10 meter लॉन्ग, ये काफ़ी लंबी लेंथ है, ऑलमोस्ट इंटेस्टाइन के बहुत पूरे हिस्से को ये कवर कर लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। अब एक देखिए कि जो टेपवर्म्स हैं उनकी बॉडी किस तरह से उसको हम काउंट करते हैं, क्या क्या पार्ट उसकी बॉडी में होते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले इसमें ऊपर की तरफ ये ऑलपिन जैसा हेड दिख रहा है, जिसको हम स्कॉलेक्स कहते हैं, स्कॉलेक्स या हेड कहते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है ये। उसके पीछे ये रिबन जैसा पूरी बॉडी है इसकी, ठीक है, दिस इज़ द होल बॉडी, रिबन जैसी है ये पूरी, रिबन जैसी बॉडी होगी, और इसको हम ट्रंक कहेंगे। तो ट्रंक है और हेड है। अब जो ट्रंक है वो 3 zones में डिवाइड होता है, इमेच्योर, मेच्योर एंड ग्रेविट, इमेच्योर, मेच्योर एंड ग्रेविट। तो आप ये देखिए कि शुरू वाला जो जोन है, ये सारा शुरू का जो जोन यहाँ पे आप देखोगे ये इमेच्योर है, बीच में ये मेच्योर है, और लास्ट में ये ग्रेविट है। ग्रेविट इमेच्योर का मतलब है कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन इस सेगमेंट के अंदर डेवलप नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो टेप वर्म्स हैं आप इनको स्यूडो सेगमेंटेड वर्म्स बोलोगे, है ना, स्यूडो सेगमेंटेशन। व्हाई इट इज स्यूडो सेगमेंटेशन, एक्चुअली एम्ब्रियोनिक फेज, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जब सेगमेंटेशन हो जाती, ट्रू सेगमेंटेशन होता है, और अदरवाइज बाद में अगर कोई बॉडी सेगमेंटेशन शो कर रही तो स्यूडो सेगमेंटेशन है। तो स्यूडो सेगमेंटेशन है, और इसमें आप शुरू में देख रहे हो कि ये जो शुरू का स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे, नेक के पीछे ग्रोथ जोन है, इसमें जस्ट इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स या सेगमेंट्स बन रहे हैं। इनको प्रोग्लॉटिड भी कहा जा रहा है सेगमेंट्स को, और स्ट्रॉबेलाई भी कह सकते हैं। इनके पीछे मेच्योर सेगमेंट है। तो मेच्योर और इमेच्योर में क्या फ़र्क है, मेच्योर सेगमेंट जो होता है उसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट केस है, हर एक मेच्योर सेगमेंट में सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल, ओवरी एंड टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो ग्रेविड क्या है, तो ग्रेविड का मतलब प्रेग्नेंट से होता है, यानी कि एग फिल्ड सेगमेंट्स हैं। क्या है, एग फिल्ड सेगमेंट्स। तो होता क्या है कि जब जो एग फिल्ड सेगमेंट्स हैं ये टाइम टू टाइम होस्ट के इंटेस्टाइन में डिटैच होकर अलग होते रहते हैं, और फीसेस के साथ, फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर रिलीज होते रहते हैं। और इस तरह आप ये कहिएगा कि जो रिलीज होने की जो टेक्निक है या ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं एपोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एज एपोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड एज एपोलाइसिस। और एक खास बात देखी जाती है कि जो ग्रेविट प्रोग्लॉटेड है किसका, टीनिया सेजिनेटा का, वो वर्म की तरह क्रॉल भी कर सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटर्नल डिटेल है। इसके बाद आप स्कॉलेक्स की डिटेल को थोड़ा सा एलार्ज करके अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए कि यहाँ ये हेड जैसा पूरा दिख रहा है, और इसमें 4 suckers हैं, 1, 2, 3 और एक पीछे की तरफ है, क्योंकि ये इस तरह गोल स्ट्रक्चर होगी, इस तरह गोल स्ट्रक्चर है, तो एक सामने, एक पीछे और 2 sides में दिख रहे हैं आपको। और हेड के ऊपर जो हुक है, हुक की 2 rows हैं, दिस इज कॉल्ड एज रोस्टेलम, रोस्टेलम या सकर्स, बता रहा हूँ यहाँ पे कि रोस्टेलम या सकर्स, फूड सक करने के लिए नहीं है ये, जस्ट अटैचमेंट के लिए, एंकरेज के लिए है। टेप वर्म्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, और इंटेस्टाइन में ये डायरेक्टली अपने स्किन के थ्रू, अपने बॉडी टेग्यूमेंट के थ्रू जो है फूड को एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट की बॉडी से, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, ऑस्मोट्रॉफिक, जो कि पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे कहा जा रहा है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑस्मोट्रॉफिक में देखिए इंजेशन नहीं होगा,
सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा और इजेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है, ना तो इसमें इंजेशन है ना डाइजेशन है, सीधे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, टू स्टेप्स आर जस्ट प्रेजेंट। तो ये एक स्पेसिफिक बात होगी कि देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, केसेस हर्माफ्रोडाइट है और एब्जॉर्प्शन जो है इसमें बॉडी सरफेस के थ्रू ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक और बात, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस से डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि इसके स्किन के चारों तरफ एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल है, मतलब इसके एपिडर्मिस के चारों तरफ रेजिस्टेंट क्यूटिकल है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, इनके ऊपर जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका असर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करता हूं कुछ फ्लूक्स की। तो जो फ्लूक्स हैं, जो फ्लूक्स की बॉडी है आप देख रहे हो लीफ जैसा है, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज इनकम्प्लीट, और जो बॉडी प्लान यहां पे मार्क किया जाएगा आप देख रहे हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, सॉरी इट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ओनली वन ओपनिंग इज देयर, माउथ है जो ओरल सकर के अंदर खुल रहा है और यहीं से फूड एंटर करेगा और यहीं से वापस जाएगा, बाहर निकलेगा। तो जो फेशोला एक कॉमन फ्लूक है, पैरासिटिक फ्लूक है, शीप के बाइल डक्ट में ये मिलेगा और वहां पे जो है ये काफी सारे नंबर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि एक आधी हो वहां पे, तो इस तरह से होगा। और ओरल सकर देख रहे हैं और बॉडी में और क्या देख रहे हैं आप, गोनोपोर देख रहे हैं, यहां से ये हर्माफ्रोडाइट है और स्पर्म या ओवा या जो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर्स यहां से रिलीज होती हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो कंटेनिंग एग्स हैं वो यहां पे रिलीज होते हैं। अब आप देखिए कि एक्सक्रीटरी पोर है, तो एक्सक्रीटरी पोर जो है वो एक्सक्रीटा को बाहर निकालेगा। आपको बता दूं कि इसमें जो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन है वो फ्लेम सेल्स हैं, एग्जाम में काफी बार आया, फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट्स हैं, यूरिया रिलीज करते बॉडी से बाहर यहां से, और ये पूरी सरफेस जो है ना इसकी, ये वेंट्रल सरफेस है, दिस इज वेंट्रल सरफेस, ये डॉर्सल था, ये वेंट्रल सरफेस है। अब आप देखिए कि इसमें वेंट्रल सकर दिख रहा है, क्योंकि वेंट्रल पोजीशन पे ये कप लाइक होता है, और इसको एसीटैबुलम भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ACETABULUM। द सेम टर्म इज आल्सो यूज्ड एज इन केस ऑफ, जब आप बोन पढ़ेंगे तो आपका जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल विच रिसीव्स द हेड ऑफ फीमर, तो उस सॉकेट को भी हम एसीटैबुलम बोलेंगे, याद रखिएगा। तो दिस इज द कॉमन टर्म, क्योंकि कप जैसा है तो कप जैसे होने के साथ इसको एसीटैबुलम कहा जा रहा है। तो यहां इन्वर्टेड वाई शेप गट मार्क हो गई, ये पूरा बॉडी जो है किसी एक पैरासिटिक फ्लूक का है। दूसरी तरफ देखिए एक फ्री लिविंग फ्लूक है मेरे पास, ड्यूजीसिया। खास तौर से इसको दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसका एक तो ये भी है कि इसकी रीजनरेशन पावर के लिए क्वेश्चन आता है कि रीजनरेशन पावर, तो इट इज वेरी हैविंग वेरी हाई रीजनरेशन पावर। और यहां पे आप देखो ये जो बॉडी है डोर्सल सरफेस पर सीलियरी दिख रहा है, और इसमें आई जैसे ऑर्गन्स, आई स्पॉट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट एवोल्यूशन जो है शुरू हो चुका है, और यहाँ पे हेड यानी कि सिफिलाइजेशन की शुरुआत जो है वो प्लेटी हेलमेंट में देखी जा सकती है। वेंट्रल सरफेस आप देखिए कि ये डोर्सल सरफेस है, तो मैंने यहाँ इसका डायग्राम इस तरह दिखाया कि डोर्सल सरफेस भी आपको दिख रहा है, वेंट्रल भी, तो बॉडी को इस तरह टर्न करते हुए, तो ये इधर डोर्सल और ये वेंट्रल सरफेस, और यहां से देख रहे हो फेरिंग्स इस तरह निकली हुई है, तो ये फेरिंग्स निकला हुआ है यहाँ पे, इवर्टेबल फेरिंग्स है, जैसे स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, तो उस तरह अंदर से बाहर की तरफ ये फेरिंग्स बाहर निकाल दिया जाता है माउथ के थ्रू, और ये अपना जो फूड है वो यहाँ से इंजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ब्रांच्ड होगा, लेकिन एनस एबसेंट है ना, इसमें एनस जो है वो एबसेंट होगी, एनस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, एनएस गायब है, इसका मतलब ये कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को प्रेफर कर रहे हैं ये, मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं। एक और बात है कि इनमें रीजनरेशन पावर बहुत है, किसी भी तरह इसको कट कर दीजिए, जो बाकी का हिस्सा है बॉडी में बन जाता है। मान लिया ये बॉडी है, इसमें ऊपर वाला सेक्शन ए है, कट किया बीच से इसको, तो पीछे वाला सेक्शन बी हो गया, तो बी के ऊपर ए बन जाएगा और ए के पीछे बी बन जाएगा, इस तरह ये रीजनरेट हो जाते हैं। अगर हेड को कई पार्ट में यहाँ से बीच में कट लगा दिया तो मैनी हेडेड विल बी जनरेटेड, आगे समझ में, इस तरह से होगा। अब जो इधर, तो ये तो मैंने एक पैरासिटिक और एक नॉन पैरासिटिक बता दिया आपको, क्या और भी कोई पैरासिटिक लिवर फ्लूक जो है वो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट की भी अभी पैरासिटिक में बात रह गई है, तो डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं काफ़ी केसेस, और जैसे कि टेपवर्म भी डाइजेनेटिक हैं,
मतलब देयर विल बी टू होस्ट रिक्वायर्ड। और इसी तरह ये भी डाइजेनेटिक होते हैं, काफ़ी केसेस जो है डाइजेनेटिक होते हैं। तो फेशियोला डाइजेनेटिक है। इसके अलावा एक और केस मैं आपको बता दूं, ये फेशियोला तो हो ही गया, बॉडी डिस्कस कर लिए, एक जो सिस्टोसोमा का केस है। सिस्टोसोमा के स्पीशीज होते हैं, जैसे सिस्टोसोमा मैनसोनाए, जेपोनिकम, हिमेटोबियम, इस तरह से होते हैं। एक केस होता है सिस्टोसोमा जेपोनिकम, जो ह्यूमंस में काटायामा डिजीज क्रिएट करता है। तो इट क्रिएट काटायामा डिजीज। तो ये बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू एंटर करेंगे और वहाँ पे परसिस्ट करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। हिमेटोबियम जो है, इट कॉज बिलहार्जियासिस नाम का डिजीज़ कॉज करता है। तो इस तरह से है। इनके लार्वा स्टेजेस जो हैं, नंबर ऑफ लार्वा इनके होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इनका जो एक फेज है वो मेल अपने प्राइमरी होस्ट में और दूसरा सेकेंडरी होस्ट में। तो प्राइमरी होस्ट अक्सर वर्टिब्रेट हुआ करते हैं और जो सेकेंडरी होस्ट हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, जैसे कि स्नेल्स यानी मोलस्का के जो मेंबर्स हैं गैस्ट्रोपॉड्स, वो इनके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट होंगे कौन, स्नेल्स होंगे यहाँ पे या गैस्ट्रोपॉड्स। अब देखिए बॉडी सिस्टम्स पे, इनके जो बॉडी सिस्टम्स है उसकी डिटेल पे आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बहुत ऑलरेडी जो कि इन पे बात हो रखी होती है, तो यहाँ हमने क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलम को पूरा एक मार्क करना है। तो उसमें आप देखिए बॉडी सिस्टम्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए तो ये यूमेटाजोआ की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही है, यूमेटाजोआ है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एसीलोमेट कंडीशन है। तो एसीलोमेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले बता चुके हैं वैसे तो। एसीलोमेट का मतलब है कि जो मीजोडर्म है उसमें पेरेनकाइमा टिश्यू या मीजेनकाइमा टिश्यू भरा हुआ है जो कि मीजोडर्म को रिप्रेजेंट करता है, देयर इज नो कैविटी। ऑर्गन जो है वो इसी में पैक होते हैं इस टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब आगे की जो बात है, टेपवर्म्स में कोई गट नहीं है, बता चुका हूँ, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, फ्लूक्स में ब्लाइंड गट और यहाँ पे आप देखिए माउथ और एनस सिंगल ओपनिंग से हो रहा है। ठीक है, ये होता है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से, कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ सोलेनोसाइट्स है, ये बात हो चुकी है इसमें। और देयर इज नो स्केलेटल सिस्टम, बॉडी का जो मस्कुलेचर है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, कोई खास इसमें स्केलेटल सिस्टम अलग से नहीं है, मिनरलाइज्ड कोई स्केलेटन नहीं है। तो यहाँ एक और चीज, सर्क्यूलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। ठीक है, और जो बॉडी में जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता पेरेनकाइमा के थ्रू ही हो जाता है, जो अंदर टिश्यू है, और बॉडी के ऊपर जो है क्यूटिकल है और जो एपिडर्मिस इनकी है वो सिंक इसमें उसके नीचे क्यूटिकल की होती है, और क्यूटिकल एक तरह से सिंकाइटियल है, मतलब मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही बेसिक टाइप का इसमें है। एग्जैक्टली क्या है कि शुरू में ऊपर एक गैंग्लिया और उसके पीछे जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं, देन ट्रांसवर्स नर्व्स, तो इट बिकम्स लैडर लाइक, तो लैडर शेप्ड है। टेपवर्म के केस में आप देखेंगे पूरा लैडर शेप्ड आपको दिखाई देगा यहाँ पे नर्वस सिस्टम। और गैंग्लिया जो है वो ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ये है। सेंसरी ऑर्गन्स प्रिमिटिव टाइप के हैं और मे प्रेजेंट, जैसे प्लेनेरिया के केस में आप देख रहे हैं कि आई स्पॉट्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लार्वा स्टेजेस के अंदर सेंसरी ऑर्गन अपने होस्ट को सर्च करने के लिए वो प्रेजेंट रह सकती हैं। रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो प्लेनेरिया एक ऐसा केस है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, बाइनरी फिजन जो है वो शो करता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन यहाँ पे बॉडी लेंथ में है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो, ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई बाइनरी फिजन कौन सा प्लेटी हेलमेंट शो करता है। तो एनिमल्स के केस में अगर देखा जाए तो ये मतलब अपने आप में यूनिक एग्जांपल्स में काउंट होगा, हाई रीजनरेशन पावर है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो पैरासिटिक फ्लूक्स हैं, टेपवर्म्स हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, और हालांकि प्लेनेरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह होती है लाइफ साइकिल जो है वो इनकी इनडायरेक्ट रहेगी। और लार्वा स्टेजेस, नंबर ऑफ लार्वा स्टेजेस इसके अंदर जो है कई सारे लार्वा इसमें प्रेजेंट होते हैं वन आफ्टर वन, तो सर्टेन स्टेजेस को जो है सर्टेन कंडीशंस को अचीव करने के लिए और सर्टेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए लार्वा स्टेज का ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि होस्ट जो है वो
अगर सर्च करना है तो इस तरह का लार्वा को चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली हमने शुरुआती सेशन में जब क्लासिफिकेशन से पहले फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट के केस में बताया था कि व्हाई द लाइफ साइकिल इज इनडायरेक्ट, तो वहाँ पे एक बार बता चुका हूँ और रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में ही बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि जो टीनिया सोलियम जो है या टीनिया सैजिनेटा या इकाइनोकोकस, ये सारे के सारे टेप वर्म्स हैं। इनके लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस मिलती हैं, सबसे पहले जो इनके एग्स होते हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज कि ये लार्वा स्टेज हैं, और हेक्साकेंथ यानी इनकी बॉडी के ऊपर 6 हुक्स रहते हैं, तो बाय दिस दे कैन अटैच टू द टंग ऑफ द होस्ट। जैसे ही सेकेंडरी होस्ट की बॉडी में प्राइमरी होस्ट की बॉडी में जाएंगे, मतलब अगर पिग से मैं कहूँ कि टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल है, तो पिग की बॉडी में जो यहाँ पे उसके फ्लैश के अंदर लार्वा मौजूद होता है तो सिस्टी सर्कस होता है, ठीक है, उसको हम ह्यूमंस जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, और ब्लैडर वर्म स्टेज ह्यूमन बॉडी में डेवलप होती है और वहाँ पे एडल्ट बनता है। एडल्ट बनने के बाद क्या होगा कि एडल्ट जो है वो एपोलाइसिस के थ्रू एडल्ट वर्म जो है वो अपने फर्टिलाइज्ड एग्स बॉडी से रिलीज कर रहा है, तो उधर जो पिग है, पिग जो कि सेकेंडरी होस्ट है, तो सेकेंडरी होस्ट जब वो एग्स को कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में हेक्साकेंथ पहुंचते हैं। हेक्साकेंथ सेकेंडरी होस्ट के टंग के ऊपर या उसके जो डाइजेस्टिव पैसेज में एंकर कर जाते हैं, और इस तरह वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचने के बाद वहां से ब्लड के थ्रू मसल्स में जाएंगे और वहां सेटल होंगे स्केलेटल मसल्स में, और उसको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। तो सिस्टी सर्कस लार्वा इट इज फाउंड इन द फ्लैश फ्लैश ऑफ द सेकेंडरी होस्ट, और ब्लैडर वर्म जो है दैट कम्स इन द वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप करेगा, और जो एडल्ट है वो ह्यूमन गट के अंदर डेवलप करेगा, और वहां से एग्स रिलीज होंगे एपोलाइसिस के थ्रू जो कि ब्रोकन सेगमेंट बॉडी से रिलीज हो रहा, उसको जो है सेकेंडरी होस्ट ईट अप कर लेता। तो यहां कुछ होस्ट दिए हुए टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा में ह्यूमंस प्राइमरी होस्ट हैं, और इकाइनोकोकस में डॉग जो है वो सेकेंडरी होस्ट है, हाइड्रेटेड वर्म जिसको कहा जा रहा है इस वर्म को। और आप देखिए कि जो सोलियम के केस में पिग सेकेंडरी होस्ट, और कैटल जो है वो टीनिया सैजिनेटा के केस में सेकेंडरी होस्ट, इकाइनोकोकस के केस में शीप सेकेंडरी होस्ट है, ह्यूमंस यहाँ पे एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं, ठीक है, गलती से ह्यूमन बॉडी में एग्स अगर चला गया तो सिस्टी सर्कस जो है वो उनके मसल्स में या उनके हार्ट में उनके ब्रेन में सेटल हो जाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लार्वा स्टेजेस बता दूँ तो जो यहाँ पे लार्वा स्टेज हैं टेपवर्म्स की वो तो हेक्साकेंथ सिस्टी सर्कस ब्लैडर वर्म, दिस इज द सीक्वेंस 3 स्टेजेस। और दूसरी तरफ फ्लूक्स के केस में, तो फ्लूक्स के केस में सबसे पहली लार्वा अंडे के अंदर से निकलता है मेरासीडियम, देन इट टर्न्स इनटू स्पोरोसिस्ट। एक्चुअली मेरासीडियम एंटर्स इन द स्नेल यानी सेकेंडरी होस्ट की बॉडी में आ जाएगा, जैसे ही मेरासीडियम अंडे से बाहर निकलेगा तो वो सर्च करने लगता है अपने डिवीजन को बढ़ाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो वो प्राइमरी होस्ट से निकला है शीप से और कहाँ जाएगा सेकेंडरी होस्ट स्नेल को ढूंढेगा, एक गैस्ट्रोपोड को ढूंढेगा, उसकी बॉडी में जाएगा एंड टर्न्स इंटू स्पोरोसिस्ट। सिंगल मेरासीडियम टर्न्स इंटू सिंगल स्पोरोसिस्ट एंड सिंगल स्पोरोसिस्ट टर्न्स इंटू मैनी रेडिया, तो ये कई सारे रेडिया में कन्वर्ट हो रहा है, और जो रेडिया है दैट टर्न्स इंटू सर्केरिया मैनी सर्केरिया। फॉर एग्जाम्पल कहूँ कोई एक स्पोरोसिस्ट 20 रेडिया बनाएगा और हर एक रेडिया अगर 20 सर्केरिया बनाएगा तो 20 × 2400 सर्केरिया की बॉडी बनेंगे। फिर क्या होता है सुबह या शाम के वक्त डॉन या डस्क के केस में जो स्नेल है उसकी बॉडी से उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से उसके जो लार्वा स्टेजेस हैं बकल कैविटी से बाहर निकलती हैं, और सर्केरिया लार्वा देखिए इस तरह टेल्ड लार्वा होगा, बाइफर्कस टेल है और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब इसमें है, तो ये निकलेगा और निकल करके पानी के अंदर ही किसी जो लीफ वगैरह डूबी हुई वहाँ पे है उसके अंदर अटैच कर जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि एक शीप है जो कि पानी के आसपास फीसेस रिलीज कर रही है जिसके अंदर एग्स हैं, एग्स जो हैं वो पानी में गए, पानी के अंदर मेरासीडियम से स्पोरोसिस्ट स्नेल के अंदर, रेडिया स्नेल के अंदर, सर्केरिया स्नेल के अंदर, स्नेल की बॉडी से
मेटा सर्केरिया स्टेज बाहर सेटल हो जाती है किसी लीफ के अंदर, ऐसे अक्सर पानी के आसपास जो कुछ ऐसी घास जो पानी में डूबी हुई हो वहाँ पे, और जब कोई शीप नया शीप वहाँ पे आता है तो वो इस मेरा मेटा सर्केरिया को कंज्यूम कर लेता है और इन्फेक्शन जो है शीप की बॉडी में पहुँच गया। तो दिस वॉज अबाउट द फेशियोला, फेशियोला की लाइफ साइकिल में ये था। एक ऐसे केस के बारे में बता देता हूँ जो ह्यूमन केस है। तो ह्यूमन केस में सिस्टोसोमा नाम का जो पैरासाइट है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, और सिस्टोसोमा मैनसोनाई हेमेटोबियम ये सब मैंने आपको बताया था, तो ह्यूमंस की बॉडी में जाएगा और सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल है, बात सेम है, बस वहाँ भी मेरा सीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया जो है इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ सिस्टोसोमा, सर्केरिया भी है और मेटा सर्केरिया बॉडी के बाहर नहीं होगा। सीधे सीधे क्या करेगा ये केस, जैसे ह्यूमन कई बार क्या होता है पानी के अंदर एक्टिविटीज या स्विमिंग करने जा रहे हैं या कोई धोबी है कपड़े धुल रहे हैं वहां पे, तो क्या है कि ये मेरा सीडियम है ये पानी के अंदर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और रिलीज होने के बाद में स्पोरोसिस्ट जो है वो निकलेगा, स्पोरोसिस्ट स्नेल के अंदर जाएगा और रेडिया बनेगा नहीं, सीधे सर्केरिया बनेगा, सर्केरिया स्नेल की बॉडी से बाहर आते हैं और ह्यूमन स्किन के थ्रू ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और इस तरह स्किन में थोड़ा इचिंग वगैरह होती है, ठीक है, और इचिंग होने से क्या होगा, इचिंग होने से इस इचिंग को हम लोग धोबी इच या स्विमर्स इच के नाम से जानते हैं, ये पहले उस तरह का क्वेश्चन आते रहा है, ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं है तो प्रॉबेबली ये जनरल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ डिजीज वाले सेक्शन को करके ये क्वेश्चन आ सकता है। काटा गामा डिजीज जो है ये सिस्टोसोमा जेपोनिकम से यहाँ पे हो रहा है। तो आप कुल मिला के देख रहे हैं कि ये पूरा जो साइंस यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पैरासाइट की स्टडी का, इस फाइलम की स्टडी का, तो ये ज़्यादातर जो है वो पैथोजेनिक कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, एंड दिस होल बिलोंग्स टू हेलमिंथोलॉजी एलोंग विद दिस। इसके साथ एक और जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो नेमेटोड्स भी इसी तरह हेलमिंथोलॉजी के हिस्से हैं, इसी का पार्ट है, तो एसिलोमेटा और स्यूडोसिलोमेटा दोनों हेलमिंथोलॉजी में आते हैं और इनका जो स्टडी है ये हमें हेल्प करता है इस पूरी जो इस तरह की इन्फेक्टिव डिजीजेस को डील करने में, और ये दोनों सेक्शंस जो हैं इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं नेमेटोडा वाला जो केस है। ओके, तो ये पूरा डिटेल हम लोगों की हो गई है, ये हेलमिंथोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो सोलेनोसाइट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अभी रिसेंट टाइम में। इसके अलावा लार्वा स्टेजेस जो है वो कभी कभार जो है वो इनके बारे में भी आता रहता है क्योंकि लाइफ साइकिल का हिस्सा है, और गट का जो क्वेश्चन है वो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, एक रिप्रोडक्शन वाली बात है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो हालांकि रिप्रोडक्शन हम प्लस टू में एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ भी इस बारे में जिक्र करते हैं कि जो टेपवर्म्स हैं वो बिल्कुल प्योरली सेल्फ फर्टिलाइजिंग है क्योंकि एक ही मेंबर वहाँ पे होता है, तो उस सेगमेंट के मेल और फीमेल के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है ऑर्गन्स की उस तरह रिप्रोडक्शन होता है। हाँ एक चीज़